हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस टाइप का मल्टी लेवल डोनेशन फॉर्म अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे क्रिएट करेंगे। सो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये एक डोनेशन फॉर्म है। सबसे टॉप पे एक हेडिंग लिखी हुई है, यानी क्या कॉज है जिसके लिए आप डोनेशंस एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह टाइप कर सकते हो। एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे आ जाएगी। नाउ जस्ट उसके नीचे आप देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि अभी तक कितना डोनेशन कलेक्ट हुआ है, नंबर ऑफ डोनेशंस कितनी है और टोटल गोल एक्चुअल में क्या है, यानी मैक्सिमम आपको कितना अमाउंट एटलीस्ट रिसीव करना है एज अ डोनेशन ताकि आपका ये कॉज फुलफिल हो सके। और यहाँ पे आप देखो सबसे बॉटम में एक प्रोग्रेस बार भी दिया हुआ है जो ग्रीन होता जाएगा जितने ज़्यादा डोनेशन अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट जैसे ही कोई भी यूज़र डोनेट फॉर एजुकेशन या डोनेट बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वो अपना कस्टम अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल 5200 रुपये का किसी को डोनेट करने हैं तो वो अपना कस्टम अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकता है, या फिर प्री डिफाइंड अमाउंट में यहाँ पे भी वो सिलेक्शन कर सकता है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन और भी लगाई हुई है कि यूज़र कम से कम 100 रुपये डोनेट करेगा, उससे कम अमाउंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी यूज़र 90 रुपीज़ डोनेट करना चाहेगा एंड आफ्टर दैट अगर वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो ये देखिए मैसेज आ गया, द मिनिमम कस्टम डोनेशन अमाउंट फॉर दिस फॉर्म इज़ 100 रुपीज़, यानी कम से कम 100 रुपये उसको पे करना ही करना है। सो यहाँ पे आप देखो 100 रुपीज़ हम एंटर करेंगे, देन आफ्टर वी कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हमने एक वैलिडेशन भी यहाँ पे लगाया हुआ है। आफ्टर दैट ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे यूज़र को अपना फुल नेम एंटर करना होगा। सो लेट मी फिल अप माई नेम ओवर हियर, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने लिखे हुए हैं, तो कोई भी यूज़र अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहता है जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस शो टर्म्स और वो टर्म्स एंड कंडीशन सेम पेज पे ही ओपन हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो हाइड द टर्म्स ओवर हियर। आफ्टर दैट दे हैव टू चेक दिस बॉक्स एंड देन डोनेट नाउ पे क्लिक करेंगे। सो नाउ वी कैन सी रेज़रपे का पेमेंट गेटवे देखिए यहाँ पे लोड हो गया है और आप चाहो तो फ़ोनपे से या किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पेमेंट कर सकते हो। सो लेट मी ट्राई विद द फोन पे, ओके, Pay 100। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे पे कर सकता हूँ फ़ोनपे के थ्रू। ओके, सो पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। नाउ जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक थैंक यू की इमेज यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिख करके आएगा एंड यूज़र अपने पेमेंट रिसीट को, इस मैसेज को सोशल मीडिया वॉल पे भी बहुत ईजिली शेयर कर सकता है। और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आएगी कि डोनर का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या था, किस पेमेंट मेथड को उसने यूज़ किया है और कितना अमाउंट उसने पे किया है। सो इस टाइप का आज हम डोनेशन फॉर्म इस पूरे वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो ट्यूटोरियल। सो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। डोनेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। ओके, अब सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है GIVE। So the very first plugin is GiveWP Donation Plugin and Fundraising Platform। इस प्लगइन के 1 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और 500 से भी ज़्यादा 5-स्टार रिव्यूज़ हैं ऑलमोस्ट। तो आपको सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम GiveWP प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे तो आपको एक सेटअप विजिट कंप्लीट करना होता है। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट सेटअप। यहाँ पे 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हमें कॉज देना होगा, यानी कि जो डोनेशन फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली उसका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से अपना स्टेटस सेलेक्ट करो, या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हो या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो या फिर आप अदर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्टेड रखूंगा। आफ्टर दैट वट आर यू फंड रेजिंग फॉर, यानी जो आप पैसा इकट्ठा करने वाले हो, जो डोनेशंस लेने वाले हो, उसका पर्पस क्या है। आप उसको एडवोकेसी में यूज़ करोगे, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हो, या फिर हेल्थ के लिए, पॉलिटिकल रीज़न है, कोई रिलीजियस रीज़न है या फिर अदर है। सो राइट नाउ हम यहाँ पे इसको एज अ एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, लोकेशन। सो यहाँ पे आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। राइट नाउ वी आर इन इंडिया, सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंडिया, ओके, एंड मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश। सो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। अब आपको यहाँ पे करेंसी को सेलेक्ट करना होगा जिस करेंसी में आप डोनेशंस एक्सेप्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे INR, बट आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ यहाँ पे हमें किस किस टाइप के फीचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इस स्टेप में आपको डोनेशन गोल सेलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 2 ऑप्शन इनफ हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्म कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। हम इस फीचर्ड इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, इस हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसे भी हम कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ये पूरे सेक्शन को कस्टमाइज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देखो डोनेट नाउ का बटन लगा हुआ है। ये रेज्ड अमाउंट दिखाएगा, कितने नंबर ऑफ डोनेशन है वो यहाँ पर दिखाएगा, और एक्चुअल में हमारा क्या गोल है, यानी हमें टोटल कितने पैसे अरेंज करने हैं एज अ डोनेशन, तो वो यहाँ पर दिखाता है। तो ये सारे अमाउंट्स वगैरह हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कुछ एडॉन्स मिलेंगे, जैसे व्हाट एल्स डू यू नीड टू सपोर्ट योर कॉज। आप चाहो तो पीडीएफ रिसीट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, हालांकि एक सेपरेट एडॉन है जो हमें सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा बाद में, बट राइट नाउ पीडीएफ रिसीट्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो ये कम्प्लीटली सेटअप विजर्ड हमारा ओवर हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो एक डोनेशंस का मेन्यू आ गया जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। सो वन बाय वन हम इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम एक डोनेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको ऑल फॉर्म्स मेन्यू पे क्लिक करना होगा और बाय डिफॉल्ट एक डोनेशन फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। इसको फिलहाल एज इट इज छोड़ दीजिए बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच। सो यहाँ पे आप एड फॉर्म पे पहले क्लिक करो। अब यहाँ पर हम फॉर्म को एक टाइटल देंगे जस्ट लाइक एजुकेशन हेल्प। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे टैब्स दिए हुए हैं। फॉर्म टेम्पलेट फर्स्ट टैब है जिसमें आपको फॉर्म के दो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। या तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, या फिर आप कुछ इस टाइप का ले सकते हो। तो फिलहाल हम मल्टी स्टेप डोनेशन फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। आपको सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करना है और ये फॉर्म एक्टिवेटेड हो चुका है। नाउ इसके जस्ट नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि विजुअल अपीयरेंस में प्राइमरी कलर कैसा होगा। तो डोनेशन के टाइम में ग्रीन कलर बेटर होता है, बट आप अपने हिसाब से कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट, कौन सा प्राइमरी फॉन्ट होगा, मॉन्टसेरेट गूगल फॉन्ट अच्छा है, बट अगेन आप अपना कुछ भी फॉन्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। राइट नाउ जस्ट लिविंग इट एज इट इज। यहाँ पे डेसिमल अमाउंट्स दिया हुआ है, राइट नाउ इसको हम डिसेबल रखते हैं। देन आफ्टर वी हैव थ्री स्टेप्स अवेलेबल। पहला है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या करोगे, अपने फॉर्म के टाइटल को चेंज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था बाय डिफॉल्ट सपोर्ट आवर कॉज लिखा होता है, तो उसको आप यहाँ पे चेंज करके ऐसा कुछ लिख सकते हो, सपोर्ट आवर एजुकेशन कॉज, या जो भी चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर दोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करने वाला हूँ, आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज। आफ्टर दैट वी हैव द इमेज ऑप्शन। तो यहाँ से हम एक फीचर्ड इमेज अपलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज है, सो यहाँ से मैंने इस इमेज को चूज कर लिया। मेक श्योर आपकी इमेज का साइज 680 बाय 400 पिक्सल का होना चाहिए ताकि बेटर विजिबिलिटी आएगी। देन चूज फाइल। ओके तो ये इमेज कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहो तो डोनेट नाउ बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डोनेट फॉर एजुकेशन। ओके कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। आफ्टर दैट पेमेंट ऑप्शन, दैट इज द सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर आप हेडर लेबल भी चेंज कर सकते हो, चूज अमाउंट, और कॉन्टेंट अगर आप चाहो तो अपना यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कॉन्टेंट लिखा है वो भी बेटर है। आफ्टर दैट कंटिन्यू बटन है, तो आप चाहो तो इसका टेक्स्ट भी यहाँ से कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर लास्ट स्टेप है स्टेप 3 पेमेंट इन्फॉर्मेशन। सो इस स्टेप में डोनर को अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। I mean, जो बंदा डोनेशन देने वाला है उसको अपना नाम एंटर करना होता है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है ताकि वो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सको। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम टाइप कर सकते हैं जस्ट लाइक प्रोवाइड योर डिटेल्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम हेडलाइन को चेंज कर देंगे जस्ट लाइक व्हाट्स योर गुड नेम, ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। आफ्टर दैट आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड देन सबमिट पे डोनेट नाउ का बटन दिया हुआ है। नाउ लास्ट स्टेप आता है स्टेप 4। जब डोनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कस्टमर को थैंक यू भी बोलना चाहिए। थैंक यू बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर आप पहले तो एक थैंक यू की इमेज को अपलोड करो। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, अपलोड फाइल्स में चलते हैं। और डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज को क्रिएट कर रखा है, सो दैट इज़ द थैंक यू इमेज। ओके देन वी कैन क्लिक ऑन चूज फाइल। इस इमेज का साइज भी सेम होना चाहिए 680 बाय 400 पिक्सल का, ताकि ये बेटर विजिबल होगी। और यहाँ पर आप चाहो तो हेडलाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है अ ग्रेट बिग थैंक यू। आई थिंक इससे बेटर हेडलाइन तो हो ही नहीं सकती। देन आफ्टर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए दिया हुआ है। कुछ वेरिएबल पहले से डिफाइंड है, I mean, टैग्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है इन पैरेंथेसिस के बीच में। दैट मीन्स कस्टमर जो भी नाम फॉर्म में फिल करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। इसके बाद ये कॉन्टेंट स्टैटिक है और यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो इन टैग्स का काम है डायनेमिकली डिटेल्स को फैच करना। आप चाहो तो इस स्टैटिक कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो, बट आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज़। आफ्टर दैट सोशल शेयरिंग यहाँ पे इनेबल्ड है। आप चाहो तो इनेबल रखो या डिसेबल रखो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट इनेबल रखने में ज़्यादा बेनिफिट है। ओके सो बेसिकली इस सेक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट वी हैव टू जंप ऑन डोनेशन ऑप्शंस। नाउ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डोनेशन ऑप्शन मल्टी लेवल डोनेशन और सेट डोनेशन। मल्टी लेवल डोनेशन का मतलब ये है कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट्स आप डिस्प्ले करवा सकते हो यूज़र को, या फिर यूज़र अपना कस्टम अमाउंट भी एंटर करके डोनेशन कर सकता है। वेयर एज अगर आप सेट डोनेशन पे क्लिक कर दोगे तो जो अमाउंट आप यहाँ पे फिक्स करने वाले हो, हर डोनर को उतना ही अमाउंट डोनेट करना होगा। सो आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आपको मल्टी लेवल डोनेशन को ही यहाँ पे इनेबल रखना होगा। आफ्टर दैट आप चाहो तो कस्टम अमाउंट को इनेबल रखो या डिसेबल रखो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। देन डोनेशन लिमिट, अगर यूज़र कस्टम अमाउंट डोनेट कर रहा है तो कम से कम वो कितना अमाउंट डोनेट करेगा और मैक्सिमम कितना अमाउंट वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको सेट कर देते हैं जस्ट लाइक 100 रुपीज़, यानी कोई भी कस्टमर 100 रुपये से कम डोनेशन नहीं करेगा। और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल रख सकते हो 10 लाख, ठीक है, यानी मैक्सिमम 10 लाख और कम से कम 100 रुपये। आफ्टर दैट यहाँ पे दिया हुआ है कस्टम अमाउंट टेक्स्ट, यानी कि आप चाहो तो उस टेक्स्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एंटर योर ओन डोनेशन अमाउंट। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे काफ़ी सारे डोनेशन के लेवल्स दिए हुए हैं, यानी कि ये प्री डिफाइंड अमाउंट है जो आपने ऑलरेडी डिस्प्ले करवा रखा है, जो कि यूज़र इसमें से कोई भी अमाउंट को चूज़ कर सकता है। तो जैसा कि हमने मिनिमम यहाँ पे सेट लिमिट कर रखी 100 रुपीज़, तो आपको मिनिमम कम से कम 100 रुपीज़ तो रखना ही चाहिए। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 250 रुपये, देन वी कैन मेक इट 500 एंड देन 1000, और इसके बाद यहाँ पे 250 रुपये दिया हुआ है, बट लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 2500। ओके, आप चाहो तो और भी लेवल्स को ऐड कर सकते हो, यानी और भी प्री डिफाइंड अमाउंट को डिस्प्ले करवा सकते हो, बट आई एम जस्ट लीविंग इट एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट है फॉर्म फील्ड्स। ओके, सो इस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लीव एवरीथिंग एज इट इज़। इस सेक्शन को बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी मत कीजिएगा। लेट्स जंप ऑन टू दी डोनेशन गोल। अब डोनेशन गोल का मतलब क्या होता है? डोनेशन गोल का मतलब ये है कि आप जो डोनेशन फॉर्म क्रिएट करने वाले हो उसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट आप कलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम इसको इनेबल कर देंगे। आफ्टर दैट गोल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट इस बॉक्स में हम गोल के अमाउंट को एंटर करेंगे। ना मान लेते हैं एजुकेशन हेल्प के लिए हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हम टोटल 10 लाख रुपए रेज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली एंटर कर दो 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख हो गया ये, ठीक है। तो 10 लाख हमने मैक्सिमम गोल अमाउंट को सेट कर दिया है। आफ्टर दैट सारे ऑप्शंस को एज इट इज छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सिंपली कस्टमाइज में जाना होगा और आप चाहो तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है, बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है, तो इसमें आप अपना कंटेंट वगैरह राइट कर सकते हो। देन वी हैव दिस ऑफलाइन डोनेशंस, तो इसको फिलहाल आप डिसेबल रखो। ऑफलाइन डोनेशन का मतलब ये होता है कोई भी यूज़र आपके ऑफिस में आएगा और वहाँ पर डोनेशन करेगा, तो फिलहाल वेबसाइट बनाने का फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम ऑफलाइन डोनेशंस को फिलहाल ऑफ ही रखेंगे। एंड देन वी हैव ईमेल नोटिफिकेशंस। नाउ ईमेल नोटिफिकेशन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे 4 ईमेल नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे न्यू डोनेशन, यानी अगर किसी डोनर ने अभी अभी डोनेट किया है तो उसको क्या ईमेल रिसीव होना चाहिए, आप उसका कंटेंट कस्टमाइज में जा करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, डिफ़ॉल्ट कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस सेक्शन में कोई भी चेंजेस मत कीजिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स बेटर की गई है। जैसे कि जब भी कोई डोनर डोनेशन करेगा तो उस केस में उसको ईमेल पहुँचेगा जिसमें उसका नाम यहाँ पर मैंशन होगा। देखिए ये टैग दिया हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म से कस्टमर के या डोनर के नेम को यहाँ से फैच कर लेगा। आफ्टर दैट जो डोनेशन उसने की हुई है, आई मीन क्या कॉज था, वो भी उसको मैंशन हो जाएगा। इस टैग की हेल्प से कितना अमाउंट उसने पे किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और पेमेंट मेथड यानी कौन से पेमेंट मेथड से उसने पेमेंट किया था वो भी उसके ईमेल में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप चाहो तो इस ईमेल के कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टैग्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि पेमेंट मेथड है, पेमेंट टोटल है, यानी द टोटल अमाउंट फॉर दिस डोनेशन। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है डोनर नोट, फॉर्म टाइटल, फुल नेम। तो ये सारे टैग्स वगैरह आप ईजिली इसमें यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जितने भी ईमेल नोटिफिकेशन है उनको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, वो बेस्ट है अपनी जगह पर। आफ्टर दैट आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना होता है और ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें इस फॉर्म को किसी पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप सिंपली ऑल फॉर्म्स पे पहले क्लिक करो। देखिए हमने एजुकेशन हेल्प नाम का एक फॉर्म बनाया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ से कॉपी शॉर्ट कोड पे क्लिक करना है और इस फॉर्म का शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी हो गया। आफ्टर दैट लेट्स गो ऑन टू द पेजेस और यहाँ से हम एक नया पेज ऐड करेंगे। सो पेज का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं जस्ट लाइक डोनेशन फॉर एजुकेशन। ये बेसिकली एस्ट्रा थीम है, सो कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं यहाँ पे पहले कर दूँगा। Okay, then we can publish this page. And now I'm going to use the Elementor page builder. अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक सेक्शन ले लेते हैं. So this is this section. इसके अंदर ले लेंगे एक inner section. Okay. Now फर्स्ट वाले कॉलम में हमें पुट करना है शॉर्ट कोड विजेट. सो यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम सर्च करते हैं शॉर्ट कोड. ये है शॉर्ट कोड विजेट. अगर आपने एलिमेंटर पहले यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा ये सारे इंटरफेस किस तरह से वर्क करता है. एनीवे सो देखिए शॉर्ट कोड की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो चुकी है. अब जो शॉर्ट कोड हमने फॉर्म का कॉपी किया था वो इस बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है. देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन वी कैन क्लिक ऑन अपडेट. ओके, सो आप देख सकते हो ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. नाउ लेट्स ओपन इट इनटू अ न्यू टैब. सो मैं यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा. ऑलराइट, सो ये हमारा फॉर्म देखिए क्रिएट हो चुका है. ये है सपोर्ट आवर एजुकेशन कॉज का टाइटल. यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी राइट करना है वो आप राइट कर सकते हो बैकएंड से. ये आ गई फीचर्ड इमेज जो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी. और यहाँ पर देखिए 10 लाख रुपए का गोल भी सेट हो चुका है. नंबर ऑफ अमाउंट कितना है अभी फ़िलहाल 0 है क्योंकि कोई भी डोनेशन फ़िलहाल नहीं आई है. एंड दैट इज़ द रीज़न नंबर ऑफ डोनेशंस आर ऑल्सो 0. और ये प्रोग्रेस बार भी बिल्कुल ग्रीन नहीं हुआ है. अब यहाँ पर हम जैसे ही डोनेट फॉर एजुकेशन पे क्लिक करते हैं देखिए हमने जो अमाउंट सेट किया था वो भी यहाँ पे आ गया. 100 रुपये से हमने स्टार्ट किया था और 2500 रुपये तक सेट किया था. ऑल्सो कस्टमर चाहे तो अपना खुद का अमाउंट भी यहाँ पे एंटर कर सकता है. जैसे कि मान लीजिए किसी को 5500 रुपये डोनेट करने हैं तो यहाँ पे 5500 रुपीज़ वो टाइप कर देगा. एंड देन आफ्टर दे हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. अब ये आ चुका है प्रोवाइड योर डिटेल्स वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड स्टेप है. राइट नाउ आप यहाँ पे देखो कि नोटिस आ रहा है टेस्ट मोड इज़ इनेबल वाइल इन टेस्ट मोड नो लाइव डोनेशंस आर प्रोसेस्ड, क्योंकि अभी हमने कोई भी पेमेंट गेटवे वगैरह यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया है. ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्स योर गुड नेम जो हमने हेडिंग टाइप की थी वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. सो कस्टमर को फिलहाल यहाँ पे अपना नाम एंटर करना होता है. जस्ट लाइक मैं अपना नाम एंटर करूँगा सद्दाम कासिम. ओके, ईमेल ऑलरेडी एंटर्ड है. टर्म्स एंड कंडीशंस का देखिए चेकबॉक्स भी यहाँ पे आ रहा है. लेट्स क्लिक ऑन दिस चेकबॉक्स. कस्टमर या डोनर अगर चाहे तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकता है बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन शो टर्म्स. देखिए वो भी कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है. फिलहाल हम हाइड टर्म्स करेंगे एंड देन डोनेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं. सो फिलहाल यहाँ पे टेस्ट पेमेंट है यानी कोई भी लाइव पेमेंट प्रोसेस नहीं होगी. और देखिए टेस्टिंग के टाइम पे एक थैंक यू पेज का यहाँ पे थंबनेल भी आ चुका है. यहाँ पे अ ग्रेट बिग थैंक यू लिख करके आ गया. और ये शेयर ऑन फेसबुक या शेयर ऑन ट्विटर का ऑप्शन भी आ चुका है. सो डोनर को कुछ इस टाइप से सारी डिटेल्स वगैरह दिखाई देगी. और ये फॉर्म काफ़ी अमेजिंग है. अब चलिए हम इसमें रेजर पे या पेयू मनी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एड ऑन परचेज करना होता है. आप सिंपली या तो GiveWP की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे देखो एड ऑन्स दिया हुआ है. सो पेमेंट गेटवेज पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो इंडिया में वर्क करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं CC Avenue. आप चाहो तो ये भी एड ऑन ले सकते हो. PayU Money इंडिया में वर्क करता है, ये भी ले सकते हो आप. Paytm ले सकते हो, Razorpay ले सकते हो. सो काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो लेट्स ट्राई दिस Razorpay. जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसका इंडिविजुअल पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा. अब बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है. ओके, सो आप यहाँ पे देखो इनका 3 प्लान्स हैं. $499 का है, $360 है, $250 है. सो इतना महंगा तो आई नो आप अफोर्ड नहीं करना चाहोगे. तो इसके लिए आपके पास सिंपली एक सोल्यूशन है. आप एक वेबसाइट ओपन करो WPScratch.com. सो इस वेबसाइट से आप सेम प्लगइन बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हो. आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है GIVE और देखिए ये आ चुका है. GiveWP PayU Money का पेमेंट गेटवे है, ये Razorpay का है. इसी तरह से काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो राइट नाउ मैं यहाँ पे Razorpay का पेमेंट गेटवे परचेज करूँगा. सो आप यहाँ पे देख सकते हो $374 आपको नहीं पे करना होगा. सिर्फ $10 में आप यहाँ से Razorpay का एड ऑन ले सकते हो. और इंडियन रुपीज़ में आप चाहो तो यहाँ पे से कन्वर्ट भी कर लेना. तो ये इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा आई थिंक अराउंड 820 रुपये के आसपास. आप चाहो तो करेंसी वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. तो कोई भी इंडियन कार्ड से आप यहाँ से परचेज़ कर लेना. मैंने ऑलरेडी ये प्लगइन परचेज किया हुआ है. तो अब सिंपली हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं. ओके, लेट्स ओपन द डैशबोर्ड. अब यहाँ पे सिंपली आपको प्लगइन्स में जाना होता है. देन क्लिक ऑन ऐड न्यू. नाउ जब आप WPScratch.com से इस प्लगइन को परचेज करोगे तो ये प्लगइन .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा. तो अब आपको क्या करना होगा, उस प्लगइन को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करना होगा. तो सिंपली अपलोड प्लगइन बटन पे आप यहाँ क्लिक करो एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन दिस ब्राउज बटन. इसके बाद जहाँ पर भी आपने प्लगइन को डाउनलोड किया है वहाँ से उस प्लगइन को आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा. सो ये है गिव Razorpay. कुछ इस टाइप से देखिए आपके कंप्यूटर पर भी डाउनलोड हो जाएगा ये प्लगइन. देन क्लिक ऑन ओपन और अपलोड. इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए. ये प्लगइन कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे. एंड देन आफ्टर यू हैव टू एक्टिवेट दिस प्लगइन. ओके, सो हमने इस प्लगइन को भी सक्सेसफुली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सिंपली या तो आप सेटिंग्स पे यहाँ पर क्लिक करो या फिर डोनेशंस में आपको सिंपली सेटिंग्स में पहले जाना होता है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे देखिए एक टैब मिलेगा पेमेंट गेटवेज, इस पर आप क्लिक करो। नाउ GiveWP के फ्री वर्जन में बाय डिफॉल्ट आपको पेपाल और स्ट्राइप पेमेंट गेटवे मिल जाता है, बट Razorpay एक प्रीमियम पेमेंट गेटवे है। अब अगर आपको इसको इनेबल करना है तो पहले आप इस चेकबॉक्स को यहाँ पे क्लिक कर दो। आफ्टर दैट इस रेडियो बटन को आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अभी फ़िलहाल काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने सिर्फ Razorpay पेमेंट गेटवे को इनेबल किया है बट Razorpay पेमेंट गेटवे को कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर टैब में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप सिंपली Razorpay पे पहले क्लिक करो। ओके, अब यहाँ पर हमें एंटर करना होता है लाइव की आईडी, लाइव सीक्रेट की। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? आप सिंपली चलो अपने Razorpay अकाउंट में। सो ऑलरेडी मेरे पास Razorpay का पेमेंट गेटवे है। लेट मी लॉग इन इनटू माय अकाउंट। सो ये है हमारा Razorpay का डैशबोर्ड। नाउ लेफ्ट साइड बार में आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड एट द वेरी बॉटम आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। लेट्स क्लिक ऑन इट। और यहाँ पर आप देखो थर्ड ऑप्शन है एपीआई कीज, यू नीड टू क्लिक ऑन इट। ओके, सो आपको यहाँ पर देखिए आपकी एपीआई की वगैरह ईजिली मिल जाएगी। बट फर्स्ट टाइम पे आप Razorpay अकाउंट क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर लाइव की आईडी वगैरह क्रिएट करनी होती है। सो आप सिंपली की आईडी यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जो भी की आईडी आपके अकाउंट में डिस्प्ले हो रही है। देन वी नीड टू गो बैक ऑन टू आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड और यहाँ पर हम की आईडी को पहले पेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो की सीक्रेट है वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एंड एट लास्ट स्क्रॉल डाउन एंड वी नीड टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो एक डोनेशन की है 5500 रुपये की, तो देखो ग्रीन कलर का थोड़ा सा बार यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और नंबर ऑफ डोनेशन भी काउंट हो चुकी है और कितना अमाउंट अभी तक रेज हुआ है 5500 रुपये। बेसिकली हमने ये टेस्ट मोड में किया था बट इस प्लगइन ने इसको भी काउंट किया है। देन आफ्टर गो टू डोनेट फॉर एजुकेशन और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम 2500 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू और यहाँ पर आप देखो अब फिलहाल Razorpay का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यूज़र को सिंपली अपना नाम यहाँ फिल करना होता है। लेट मी फिल अप माई फॉर्म और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी हम फिल कर देंगे। लेट मी टाइप ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पर देखिए Razorpay का ऑप्शन आ गया। लेट्स अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। एक चीज़ आप और यहाँ पे नोटिस करो, डोनेट विद टेस्ट डोनेशन आ रहा है, इसको फिलहाल हम यहाँ से डिसेबल भी करेंगे। अभी मैं बताऊँगा कैसे हम डिसेबल करते हैं। देन लेट्स क्लिक ऑन डोनेट नाउ और ये हमें Razorpay के पेमेंट गेटवे पेज पे ले जाएगा। नाउ इस ऑप्शन को आप कैसे हटाओगे? आपको सिंपली बैकएंड में जाना होता है और यहाँ पर आप जाओ पेमेंट गेटवेज में। गेटवेज पे पहले क्लिक करो और यहाँ पर आप देखो टेस्ट डोनेशन और ऑफलाइन दोनों इनेबल्ड हैं, इन्हें आप डिसेबल करो एंड देन सेव चेंजेस। इस फॉर्म के टॉप पे आपको ये नोटिस आ रहा होगा टेस्ट मोड इज़ इनेबल्ड, तो इस मैसेज को हटाने के लिए आपको सिंपली GiveWP की सेटिंग में वापस जाना है और पेमेंट गेटवेज में अंडर गेटवेज में सबसे ऊपर देखिए आपको दिखाई देगा टेस्ट मोड, इसे आप डिसेबल कर दो एंड देन सेव इट। Okay, now let's refresh our front page. Okay, now let's click on donate for education, then continue. और देखिए टॉप पे से वो नोटिस कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, यानी कि अब ये फुली फंक्शनल डोनेशन फॉर्म आपकी वेबसाइट पे बन चुका है। अब आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर डोनेशंस वगैरह को ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट में एक डोनेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको PayU Money या कोई दूसरा पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको उस पेमेंट गेटवे का प्लगइन यहाँ से परचेज करना होगा। आप WPScratch.com से परचेज कर सकते हो, उसका एड ऑन इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको वापस GiveWP की सेटिंग में जा करके उस पेमेंट गेटवे को इनेबल करना होता है, जैसे हमने Razorpay को इनेबल किया है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।